जय हिंद चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवीद खान। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेरठ के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम कर्मचारी संगठन द्वारा निदेशक कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ है। बवाल की खबर है, न सिर्फ हंगामा हुआ है बल्कि महिलाओं द्वारा डिप्टी डायरेक्टर हरि नारायण मीणा को धरना विरोध कर रहे हंगामे में शामिल महिलाओं ने चूड़ियां तक पहनाने का प्रयास किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। गांधी आश्रम कर्मचारी संघ द्वारा पिछले 300 दिनों से विभाग के खिलाफ और विभाग पर भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इसी प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में महिलाएं और संस्था के लोगों ने निदेशक ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया है। न केवल हंगामा किया बल्कि निदेशक के कार्यालय में घुसकर कुर्सी पर पोस्टर भी चस्पा किया। तस्वीर आपको दिखा रहा है। काफी हंगामे के बाद मेरठ डिप्टी डायरेक्टर हरि नारायण मीणा ऑफिस पहुंचे तो कर्मचारी संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी कर दी और मामला यही नहीं थमा। धरने में शामिल महिलाओं ने डिप्टी डायरेक्टर को चूड़ियां पहनाने का भी प्रयास किया है। काफी देर तक संगठन और डिप्टी डायरेक्टर के बीच बहस चली। गांधी आश्रम कर्मचारी संगठन का आरोप है कि आश्रम की जगह निजी लाभ के लिए गलत तरीके से बेचने की साजिश चल रही है। देखिए हंगामे और बहस की एक्सक्लूसिव तस्वीर है और साथ ही देखिए क्या कहना है कर्मचारी संघ के लोगों का और क्या है उनकी मांगे, क्या आरोप लगे हैं विभाग पर। हमने यही कहा था उनसे, परवीन जी से आप बताइए। आश्रम संपत्ति राष्ट्र की और सदस्य मुर्दाबाद चेयरमैन चोर है। आदि डायरेक्टर मुर्दाबाद आदि डायरेक्टर मुर्दाबाद कुमार हो गए। बाकी संपत्ति है क्या मनोज कुमार को एल के ही हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, वही आएंगे यहाँ पे। आज अभी कहा संजीव पोसवाल से लापता हो गया है। मेरा नाम अनंत देव कौशिक है और मैं इस कर्मचारी संगठन का संरक्षक हूँ। आज गांधी आश्रम पे इतने लोगों की संख्या मौजूद है, क्या है पूरा प्रकरण बताइए। ये एक राष्ट्रवादी संस्था है, आजादी से पहले की संस्था है जहाँ खादी का काम होता है, एक बड़े स्तर पर खादी का काम होता था। आज के टाइम में षड्यंत्रकारी सदस्य लोगों ने मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र करा और बहुत जल्दीबाजी नहीं, बहुत समय लगाया, कई साल लगाने के बाद इस संस्था को बेचने का काम करा, लीज करने का काम करा और सभी भंडारों को खाली करके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस जिस भंडारों पर उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और काम करने का संकल्प लिया, उन विभागों को भी खाली करके बेचना, दुकानों को बेचना, ये सब इनकी उसमें चलन में आ गया। यही हमारा सामने रंगाई विभाग है जो हमारे देश का राष्ट्र ध्वज छपता था। हिंदुस्तान में दो जगह राष्ट्र ध्वज छपता है, एक बोरीवली मुंबई में और दूसरा रंगाई विभाग में। सबसे पहले रंगाई विभाग में छपता था तो इन्होंने व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए इस रंगाई विभाग को भी टारगेट कर दिया जिसमें हमारा देश का राष्ट्र ध्वज छपता हो। और सामने जिस प्लॉट को भारत रत्न प्राप्त खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से समर्पित जो प्लॉट सीमांत गांधी पार्क है उसे, जो ग्रीन बेल्ट में आता है, उसे भी बेचने का, लीज करने का काम करा। ऐसे ही वर्ष 1971 में 2024 की हम बात करें गांधी आश्रम में, आप आज जो इकट्ठा है ये क्या चीज बेचने का पूरा मामला है? यह इस पूरी की पूरी संपत्ति को भविष्य में टारगेट करने का काम, संपूर्ण भारत की जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं जिसे हम रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आमदा हैं हम लोग इसे की जमीन को कैसे भी रोकें, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करा है। यह अनशन हमारा 9 अक्टूबर 2023 से निरंतर जारी है, आज 351 दिन हो गए हैं और हमारा खादी ग्राम उद्योग आयोग से यह कहना है जिसके पास ये सारी कार्रवाइयाँ लंबित चल रही हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स फंड सोसाइटी के पास कार्रवाइयाँ लंबित चल रही हैं, ये कार्रवाइयों में देरी करने का क्या कारण है? और जितने भी MSME में जितने भी मंत्री हैं इसमें संज्ञान ले में
मनोज कुमार गोयल जो इसके अध्यक्ष हैं वो भी संज्ञान ले में, या कहीं ना कहीं खादी ग्रामोद्योग आयोग की मिली भगत से हो सकता है जमीनों को बेचने का इनकी तैयारी हो। अब इनका अगला मकसद है 9022 वर्ग मीटर जमीन बेचने का, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है उसे बेचने की पूरी इनकी तैयारी है, तो उसे रोकने का वो हमारा जयश्री पेटा भंडार के सामने है 9022 वर्ग मीटर जमीन, वो रेणु का आशियाना प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की तैयारी है। एक शविंदर सैनी है जो मोहनपुरी में रहते हैं, उन्हें लीज करने का काम कर रहे हैं, उसे जमीन कर दी है लीज। और एक धर्मेंद्र शर्मा है जो इंटरनेशनल कॉलेज खोलना चाहते हैं, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ के संस्था के लोगों ने सभी ने संपत्ति बेचने का इससे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद बावजूद कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है? देखिए कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई इस तरह की हुई है कि संस्था प्रभावित हुई, कार्यकर्ता प्रभावित हुआ, संस्था में लगातार ताले लटक गए, लोगों का रोजगार, लोगों की जीविका, इन सबसे खिलवाड़ हुआ और किसी ने किसी स्तर पर सुनने का काम नहीं करा। और सभी हर हमने दरवाजा खटखटाने का काम करा, जिस पर अभी भी सभी के सभी अधिकारी मौन हैं, चुप हैं, पैसे के दबाव में है या राजनीति दबाव में है, किस दबाव में है वो लोग आज बताएंगे हम लोगों को, हम इनसे पूछना चाहते हैं। अरे वो भूमाफिया लोग हैं जहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति का कहा जाता है, आज वहाँ मैं देखा जा रहा कि सबसे भ्रष्टाचार खाली जगत में इस बार हुआ है। हमारी मांग ये है कि 62 लाख का धन का दुरुपयोग इन लोगों द्वारा करा गया है, उसकी वसूली हो और यहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति हो, वो सरकारी प्रशासक यहाँ पे आके बैठे और इस गांधी आश्रम राष्ट्र की धरोहर को बचाएं, जो पूरे हिंदुस्तान की जमीन है उस पर पूरी पूरी पे नजर रखेंगे तो सब चीजें बचेंगी। और इन षड्यंत्रकारी पे कठोरतम कार्रवाई हो और इन पे 2017-18 की FIR के जो खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्रवाई नहीं करना चाह रहा उस पर कार्रवाई हो।